हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घर पर सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले कि प्रेगनेंसी के दौरान जो आपका पेट का निचला हिस्सा होता है उसमें आपको पेन क्यों होता है, जो आपका पेटू होता है उसके अंदर दर्द क्यों होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि किन कारणों से जो पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताने वाली हूँ जिसकी वजह से आप पेट के निचले हिस्से के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर लें, ताकि मैं तब भी कोई न्यू वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पेट के निचले हिस्से में दर्द किस वजह से होता है। तो सबसे पहला कारण होता है कि जब आपका बच्चा का, जैसे आपका गर्भाशय का बढ़ता है, आपके बच्चे का जो वजन बढ़ता है, तो इसके वजह से आपको सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में पेन हो सकता है। अगर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है तो ये मिसकैरेज की तरफ इशारा करता है। आपको अगर हल्का फुल्का दर्द होता है तो नॉर्मल बात है, लेकिन अगर आपको लगातार दर्द हो रहा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बंद नहीं होता, तो ये मिसकैरेज की तरफ इशारा करता है। तो उस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपको ये पेन सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है, मतलब 4 से 6 मंथ के अंदर आपको ये पेन होता है, तो इसका मतलब क्या था, जो आपकी प्लेसेंटा होती है उसको छोड़ने का डर रहता है, और साथ ही जो आपकी प्री मैच्योर डिलीवरी होती है उसके होने का भी खतरा रहता है। अगर आपको यही पेन थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है, अगर कोई हल्का हल्का पेन रहता है तो नॉर्मल बात है, आप आराम करते हैं, ठीक हो जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको ये पेन लगातार होता है तो फिर आपको ये प्री मैच्योर डिलीवरी की तरफ इशारा करता है। इसके साथ ही अगर आपको पेट के निचले हिस्से में पेन होता है, साथ ही आपको जो प्राइवेट पार्ट होता है उसके अंदर आपको खुजली होती है, जलन होती है, आप यूरिन पास करते तब दर्द होता है, तो इसका मतलब भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो उस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये तो बात हो गई कि आपको जो तीन ट्राइमेस्टर होते हैं उसके अंदर आपका जो पेट के निचले हिस्से में पेन होता है वो कितना नॉर्मल होता है, किन वजह से होता है। अब बात करते हैं कि आप इसको कम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना, पानी खूब पीना है। आपको पानी की कमी अपनी बॉडी के अंदर नहीं होने देनी है। मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ प्रेगनेंसी में खूब सारा पानी पीजिए। सेकंड, आपको क्या करना, हमेशा लेफ्ट करवट करके ही सोना है, और ध्यान रहे आपको एक ही पोजिशन में लेटे नहीं रहना, बीच बीच में पोजिशन चेंज करते रहना, लेकिन आपको लेफ्ट साइड ज़्यादा सोना है। उससे क्या होता है, ब्लड का अच्छे से सर्कुलेशन होता है और साथ ही बच्चे के पास अच्छे से न्यूट्रिशन भी पहुँच जाता है। थर्ड, आपको क्या करना है, आपको जल्दी जल्दी नहीं चलना है, आपको छोटे छोटे कदमों से चलना, आराम आराम से चलना है। फोर्थ, आपको क्या करना, आपके पेट को हमेशा थोड़ा सा सपोर्ट देकर चलिए। जब भी आप चलते आपके पेट के निचले हिस्से पर हमेशा हाथ रखिए, उससे क्या होता है आपके पेट को अच्छे से सपोर्ट मिल जाता है। नेक्स्ट, आपको क्या करना, झटके से ना ही उठना है ना ही बैठना है, और जब भी उठते किसी भी चीज़ का सहारा लेकर उठें। साथ ही आपको कोशिश करनी, कोई भी चीज़ अगर नीचे पड़ी है तो झुक कर उसे मत उठाइए, साथ ही आप उसे अपने पहले घुटनों को मोड़िए फिर उस चीज़ को उठाना है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसकी वजह से क्या होता है, पेन बढ़ जाता है। फोर्थ, आपको क्या करना है, आपको अपना जो प्राइवेट पार्ट होता है उसको इंटीमेट वॉश से साफ करना, साथ ही अपनी पैंटी वगैरह अच्छे से साफ करके रखिए। उससे क्या होगा, आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है और आप डॉक्टर के पास नहीं जाते फिर क्या हो जाता है, बच्चे तक भी इन्फेक्शन पहुंच जाता है। नेक्स्ट, आपको क्या करना, अगर आपको लगातार दर्द हो रहा है तो आप अपने हल्के हल्के हाथों से मालिश कर सकते हैं, उससे भी आपको दर्द में छुटकारा मिल सकता है। तो ये तो कुछ ऐसे उपाय जिन्हें आप अपना कर अपने पेट के दर्द को कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपको आपके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग आती है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। साथ ही अगर आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है और साथ ही आपको बुखार आता है या आपको जुकाम हो चुका है, तो भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। जो मैंने ये उपाय बताए, अगर आप इन्हें भी अपनाते फिर भी आपको पेन बंद नहीं होता, आपको लगातार पेन होता, तो आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता, कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई होप कि फ्रेंड्स, आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं तब भी कोई न्यू वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।